Do like, share and subscribe my YouTube channel and follow me on Instagram and press the bell icon for notifications. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. तो आज हम बनाने जा रहे हैं केक, वो भी सूजी से. इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी, दही 1 कटोरी, मिश्री 1 कटोरी. मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं. ए और तेल लेना है 1/2 कटोरी, बेकिंग पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा भी 1 छोटा चम्मच, और टूटी फ्रूटी 1 कप. और टूटी फ्रूटी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं. और ये मैंने जार ले लिया है, इसमें मैंने मिश्री को पीसा था क्योंकि मैं हर चीज़ में ज़्यादातर मिश्री ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने मिश्री को पीस कर रखा हुआ था. अब मुझे इसमें सूजी, जो मैंने 2 कटोरी सूजी ली है, उसको थोड़ा सा उसको बारीक कर लेना है, तो उससे हमारा केक अच्छा बनेगा. और ये मैंने 2 कटोरी सूजी ली है. अब ये मैंने सूजी को पीस लिया है. मैंने ये एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी दही और 1 कटोरी मिश्री पीस कर रखी थी जो, वो डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, कर रही हूँ. अब उसको मिक्स करने के बाद मैंने जो 2 कटोरी सूजी जो पीस कर रखी थी वो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी कर ऐड करूँगी. पहले मैंने 1 कटोरी ऐड करी है, उसको मिक्स किया है, फिर उसके बाद मैंने 2 कटोरी ऐड की है. तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा. तो अब मैं इसको आपको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ. और ये केक बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, और बिना ओवन के, बिना कुकर के आप इसको इजीली बस कढ़ाई में बना सकते हैं. और ये एगलेस केक है, और आप इसमें कोई भी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट का या जो भी आपको अच्छा लगे. और अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, 1/2 कटोरी तेल डालना है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. भी अच्छे से मिक्स हो गया है. अब मैं इसमें 1 कप दूध डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी. अब मैंने दूध भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब इसके बाद मैं इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालना है दोनों, और डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है. तो मैं इसको अच्छे से अभी फेंट लेती हूँ, और फेंटने के बाद हमें इसको एटलीस्ट 10 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है, और उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस शुरू करना है. और रेस्ट के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, तो आप इसमें थोड़ा दूध और मिक्स कर इसको केक के लिए इसका बैटर रेडी कर सकते हैं. और उसके बाद मैंने इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर ली है, क्योंकि मैं टूटी फ्रूटी वाला केक बना रही हूँ. और उसके लिए मैंने पैन ले लिया है. पैन में मैं इसमें अभी घी लगा लूँगी. घी को मुझे पूरे चारों तरफ लगाना है, किनारियों में भी. और उसके बाद मैं इसमें बटर पेपर, मैंने इसके अंदर के गोल साइज़ का कट कर लिया है, उसको मैं रख रही हूँ ताकि मुझे निकालने में डिफ़िकल्टी ना हो बाद में. और उसके बाद मैं इसमें बटर पेपर के ऊपर भी घी लगा लूँगी ताकि मैं बाद में उसको भी ईजीली निकाल पाऊँ. अब मेरा पैन रेडी हो चुका है, और मुझे इसमें थोड़ी टूटी फ्रूटी कम लग रही थी तो थोड़ी मैंने और ऐड करी है इसमें, और इसको मैं अच्छे से फिर से ऐड करके मिक्स कर रही हूँ. अब ये बैटर मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ. कढ़ाई में डालने के बाद मैं इसको थोड़ा टैप टैप कर दूँगी ताकि इसमें अगर अंदर कोई थोड़ा बबल रह गया हो या कहीं स्पेस रह गई हो तो वो उसमें एडजस्ट हो जाए ठीक से और बबल निकल जाए. और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा डेकोरेट करने के लिए थोड़ा टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ. और ये टूटी फ्रूटी मैंने घर में ही बनाई है, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी देखूँ दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं. बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है. और अब मैं इसको कवर कर गैस पर रखूँगी. और गैस पर भी हमें डायरेक्ट तभी रखना है अगर आपकी मोटी तले वाली कढ़ाई है तो, और अगर मोटी नहीं है तो आपके पास अगर तवा है तो आप तवा गरम कर उसके ऊपर इसको रख सकते हैं. और ये मेरे जो बर्तन है इसमें लिड में थोड़ा होल था तो मैं उसको कवर कर दूंगी कुछ बटर पेपर डालकर, ताकि उससे स्टीम उसकी बाहर ना आए, वो अच्छे से कुक हो जाए. और इसको कुक होने में 45 मिनट्स लगेंगे एटलीस्ट, क्योंकि ये धीमी आँच पर कुक होता है. अब ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है. अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक फोक से, या फोक से नहीं सॉरी चाकू से या फिर टूथपिक से,
कि यह बी सेंटर से भी पक गया है अंदर तक या नहीं। ये देखिए ये पूरा पक चुका है, अब हम इसको इससे बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। एंड प्लीज़ जब आप लोग इसको कढ़ाई से निकालेंगे तो बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, और तो किसी की हेल्प लेकर ही आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है अभी, और इसका मैं बटर पेपर हटा लेती हूँ। और बटर पेपर हटाने के बाद मैं इसको दोबारा दूसरी प्लेट लगाकर इसके पीछे इसको सीधा कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारा केक रेडी है। इसके ऊपर आप अगर कोई क्रीम, व्हिप्ड क्रीम लगाना चाहते हैं, या फिर चॉकलेट लगाना चाहते हैं, या वनीला क्रीम लगाना चाहते हैं, आपको जो लगाना है लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको। और ये जितना दिखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, ये उतने खाने में भी बहुत टेम्पटिंग था। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगी कि इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप फिर मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मेरा चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और आगे बढ़ूँ और आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको आपके साथ शेयर करूँ। Thanks for watching.